अभी अभी खबर आया है, कल रात को प्रताप सिंह शेखावत अपना शरीर में मारा हुआ पाया है, उसका मर्डर हो गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से जिस गन से गोलियां चली वो गन कुंवर साहब के हाथ में थी। मैंने पिताजी को नहीं मारा। स्टडी रूम में जहां पर मर्डर हुआ वहां पर ना कोई खिड़की है ना कोई रोशनदान है, गोलियां अगर चली तो चली कहां? और तो और स्टडी रूम का दरवाजा भी बंद था। अब मान लेते हैं जो आप लोग कह रहे हैं वो सच है, आप सब लोग स्टडी रूम के बाहर थे लेकिन अंदर कुंवर साहब। अब कुंवर साहब भी चीख चीख के कह रहे हैं कि मैंने गोलियां नहीं चलाई। अगर आपने गोलियां नहीं चलाई तो चलाई किसने? अरे सर यहाँ पर तो कोई नहीं है। अगर यहाँ कोई नहीं है तो गोली चली कैसे? दर्द हो रहा है अब? दर्द हो रहा है ना, झूठ क्यों बोल रहे हो? वो कुछ दिखा खतरा है? मुझे तो यहाँ पर खतरा दिख रहा है। शट अप। मैं अभी आया। कहाँ जा रहे हो? मुझे लगता है खतरे का नाम सुन के आदि सर यहाँ से भाग गए। ये देख फोन पे क्या कोई नई क्लिपिंग आई है? तेरे मतलब की नहीं है। अंदर आने से पहले मैं इस फोन को एक ऐसे एंगल पे रख के आया था जहां से अगर कोई दरवाजे पे हरकत हो तो वो रिकॉर्ड हो जाए। हाँ तो देखा बुलेट चली लेकिन दरवाजे पे कोई हरकत नहीं हुई। कोई रोशनदान नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, दरवाजे पे भी कोई नहीं आया लेकिन गोली किसने चलाई यार? गोली चलाने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? बुलेट और गन और एक उंगली। बॉस इन्वेस्टिगेशन के बीच में उंगली मत करो। सॉरी सर। मानव 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 इन्वेस्टिगेशन की बात बात में करते हैं, मेरा खून बहुत भरा है, फिर गाड़ी निकाल मुझे हॉस्पिटल लेके चल। फर्ज के लिए जो खून भाई वो खून खून नहीं पानी है दोस्त। अबे वो दुश्मन थोड़ी देर ये खून पानी बन के बेहतर है ना, तेरा दोस्त जो है वो पानी पानी हो जाएगा। चल खाना खाने आया है कि गाना गाने आया है? ट्रिंग ट्रिंग तेरा फोन आ गया। अरे डॉली है। ए डॉली। हेलो मानव क्या चल रहा है? बस आपका ख्याल चल रहा है क्या? नहीं मेरा मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है। और आदि? आदि नहीं चल रहा है, वो चलने लायक ही नहीं रहा है। अपडेटेड यू नो। आयशा 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 रुक पहले बात कर। हेलो आयशा, वो कातिल ने मुझ पे गोली चला दी थी। What? वो गोली जो है बस मेरी हाथ को से छू के निकली, मुझे कुछ हुआ तो ना, I'm fit and fine। मैं हूं ना, मैं इसका ख्याल रख रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, ये ठीक है। थैंक्स मानव। अच्छा तुमने कातिल को पकड़ लिया? बिल्कुल नहीं, ये कैसे कातिल को पकड़ सकता है? एक्चुअली हमें पता नहीं चल रहा कि गोली चल कहां से रही है। एक बात तो समझ में आ गई कि किसी इंसान ने हम पे गोली नहीं चलाई। आई एम श्योर गोली ट्रिगर करने के लिए कोई और मैकेनिज्म यूज किया जा रहा है। हाँ, जैसे बॉम्ब्स को ट्रिगर करने के लिए टाइमर या फिर मोबाइल कॉल यूज करते हैं वैसे। लेकिन ऐसी कोई चीज हमें भी यहाँ बॉस। यस सर। तुमने कुछ देखा क्या? एक सपना। अरे वो नहीं, तुमने कुछ टाइमर या मोबाइल फोन जैसा यहाँ पर आसपास कहीं देखा? नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं देखा। ऐसा कुछ यहाँ पर है भी नहीं तो पता नहीं कातिल ने इस्तेमाल किया तो किया क्या। माचिस भी तो हो सकती है, सिर्फ बारूद में आग ही तो लगानी है। हाँ लेकिन यहाँ पर आग कहाँ? झुक जाओ। अरे हम तो झुक गए, तू अपना देख। अरे हाँ बस फाइव प्लस पानी डाल। कितना पानी डालू? अरे चाय नहीं बनानी है, उसको बुझाने के लिए पानी डाल, पानी डाल। डालता हूँ डालता हूँ। बिकर हाँ उठा, और गोलियां भी चल सकती है। चल नहीं सकती, चल चुकी, मेरे हाथ से खून बह रहा है। मुझे पता है पता है पता है। काम डाउन काम डाउन। तो ये गोली फायरप्लेस से चला था? जी हाँ सर। सर फायरप्लेस से हमें और भी गोलियां मिली हैं सर। सर इस केस को सॉल्व करने इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए मैंने अपना पूरा दिमाग लगा दिया। ये केस इतना सिंपल था
कि इसके दिमाग लगने से सॉल्व हो गया? आपको तो पता है सर कि किसके पास कितना दिमाग है लगाने के लिए। देखो, हमने सुना है कि तुम उधर दिमाग से ज्यादा ठुमका लगाया है। क्या है ये? इसको नहीं बुलाता तो आता है, इसको बुलाएगा नहीं आता है। अभी कोई कुछ नहीं बोला, चला गया। क्या मतलब हुआ था यार? सर उसे छोड़िए सर, मैं क्या कह रहा था सर। अरे क्या छोड़िए, साला टेंशन देता है सलाई। सर लेट्स टॉक अबाउट द केस। हमारा माथा ब्लास्ट हो जाता है सोच सोच कर। सर मैं क्या कह रहा था सर आपसे। अरे कहने का बात नहीं है यार, ये तो मेरे को कभी कभी टेंशन हो जाता है। सर बोलो बोलो, तुम बोलो। बोल यार बोल। सर मैं क्या कह रहा था सर। साला किधर गया हूं? तुम बोलो 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 बोलो। सर मैं ये कह रहा था कि ये सबूत मिलने से एक बात तो साफ हो गई है सर कि गोली कुंवर करण सिंह ने नहीं चलाई है सर। हमको शौक है। अरे सर शौक तो होने चाहिए सर, सभी को होते हैं। वैसे किस चीज का शौक है सर, ताश का या लाल पानी से भरे ग्लास का? ए भोगा बाटा, तुम्हें हिंदी भी खाए। अरे शौक माने सस्पिशन, डाउट। अच्छा अच्छा शौक, वही तो बोला शौक। तुमको काला पानी का सजा मिलना मांगता है, हमको लाल पानी खिलाएगा तुम? भेजिए सर भेजिए। सॉरी सर। कुछ भी बोलेगा तुम इतना मोटा होकर? हमको शौक है। अगर गोली फायर प्लेस से चला तो फॉरेंसिक रिपोर्ट में ऐसा क्यों है? प्रताप सिंह को लगा बुलेट उसी गन से चला था जो उसका बेटा करण सिंह का हाथ में मिला था। क्या पता सर, नहीं मतलब पता नहीं मुझे सर। वही तो सर, वही तो इस केस की मिस्ट्री जो सॉल्व नहीं हो रही है। देखिए सर, कभी भी किसी गन से एक बुलेट जो चलाई जाती है तो वो गन उस बुलेट पे एक अलग तरह का निशान छोड़ देती है, एक ऐसा निशान जो कॉपी नहीं किया जा सकता। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है सर, जो फायरप्लेस पर जो बुलेट पाई गई और जो बुलेट एंटीक गन से चलाई गई, उन दोनों बुलेट्स पर एक ही तरह के निशान है सर? सर ये बात तो हमें कोई गन एक्सपर्ट ही बता सकता है। और इत्तेफाक की बात देखिए सर, हमारे इस केस में हमारे पास एक गन एक्सपर्ट। क्या करता है तुम यार? अरे बैलेंस में खड़ा हो, तुम अपना चेकअप कराओ। सॉरी सॉरी। इत्तेफाक की बात देखिए सर, हमारे इस केस में गन एक्सपर्ट भी है, मृणाल का एक्स बॉयफ्रेंड राणा। गुड आइट। दर्द हो रहा है? Hey, चुप। होता है खुली लग, दर्द तो होगा ना, होता है। ओहो, ये गन डीलर राणा आप ही हैं? एग्जैक्टली, हा हा हा। और ये पूछ कौन रहा है? तू क्या? तू आथू? खुद ही पूछ रहा जी, मैं गन डीलर राणा हूं। आपकी तारीफ? थोड़ी देर में तू खुद करेगा, इंस्पेक्टर आदित्य। और मेरी तारीफ कोई ज्यादा करता है नहीं, इंस्पेक्टर मानव। इतनी गन्स बिछा रखी हैं, कोई चलती भी है? मैं मर भी सकता था मानव। लोड करके क्यों रखते हो यार यहां? किसी को लग जाती। सॉरी यार, सॉरी मेरे भाई, सॉरी। गिली गिली पप्पी मत क्या कर। ये ड्रॉ खुलता है? जी सब खुलता है। खोल। मृणाल को तो जानते ही होगे। देखिए ना, मृणाल से ब्रेकअप का बदला तूने मृणाल के होने वाले पति महाराजा प्रताप सिंह को मार के क्यों लिया? क्या बात करे सर, मैं क्यों महाराजा प्रताप सिंह को मारूंगा? और मृणाल को भूले तो मुझे 2 साल ज्यादा हो गए। तुम्हें खुशी खुशी अपनी फैमिली के साथ रहता सर। माय फैमिली, माय वाइफ, माय किड्स, माय फैमिली सर। महाराजा प्रताप सिंह को मैंने नहीं मारा, इनफैक्ट पिछले हफ्ते तो उनकी एक गन सर्विस करके दी मैंने उनको। अच्छा, वो गन सर्विस पे देने कौन आया था?
सर वो तो किसी ने महल से भिजवाई थी, कहा महाराज ने भेजी है। अब महाराजा का नाम सुन के मैंने भी ज्यादा कुछ पूछा नहीं, और लाइसेंस देके तो पता पड़ ही गया था ना कि महाराजा की गन है। अच्छा तो गन सर्विस होने के बाद तूने गन को टेस्ट भी किया होगा, गोली चला के देखी होगी कि उस गन से गोली चल रही है कि नहीं ठीक से? हाँ सर, वो तो करना पड़ता है ना। तो उन चली हुई गोलियों के खाली खोखे भी तेरे पास होंगे? वो खोखे हमको चाहिए। सर वो खाली खोखे तो मेरे ऑफिस से किसी ने चोरी कर लिए। चल 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 चल, हमें बनाने की कोशिश मत करो। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपको उसका सीसीटीवी फुटेज दिखा सकता हूँ। है क्या? हाँ सर देखा। सॉरी सॉरी, आजा आजा हम देख लेते हैं फिर आजा। इतना काला आदमी कहाँ? मास्क पहना है उसने। ओ काला आदमी, तुम क्यों चौंक रहे हो? सर आप चौंके तो हम भी चौंके। सर चौंके चौंके भाई भाई। चौके ब्रदर्स, चलते हैं हम। चलो मिले जो हम तुम एक गन ले दो यार। हेलो पीटर। हाउ आर यू पीटर? आजा तेरे साथ कुछ बातचीत करनी पीटर। बात बताओ पीटर, आज तुम्हारा जबड़ा हिल कैसे नहीं रहा? आज मैं च्युइंगम खा रहा हूँ ना सर। क्या उल्टा पैदा हुआ था क्या? जब च्युइंगम खाता है तो जबड़ा हिलता नहीं, जब नहीं खाता तो जबड़ा हिलता है। कैसा पैदा हुआ था यार? इसके लिए तुम उसे मार नहीं सकते हो। नहीं ये कोई क्राइम नहीं है। ओह सॉरी। अब जरा बताओ कि महाराजा प्रताप सिंह के मर्डर के एक रात पहले तुम च्युइंगम क्यों नहीं खा रहे थे पीटर? ये क्राइम कैसे हो सकता है सर? एग्जैक्टली ये कोई क्राइम थोड़ी ना है। आजा तुझे बताते हैं कि क्राइम क्या-क्या है। हमने सीसीटीवी फुटेज देखा है, एक जबड़ा हिलाता हुआ आदमी आता है, खाली बुलेट्स चुराता है और चला जाता है। चलो अपना क्राइम कबूल कर लो। सर लेकिन जबड़ा तो कोई भी हिला सकता है ना सर? आप हिला सकते हैं, मैं हिला सकता हूँ, गाय हिला सकती है, भैंस हिला सकते हैं, सब हिला सकते हैं ना सर? ये तो इस घर में सिर्फ एक आदमी जबड़ा हिलाता है और वो हो तुम। अब सच सच बोल वरना इस हेलीकॉप्टर से मारूंगा। कबूल कर। देख आ रहा है हेलीकॉप्टर आ रहा है। ऐसा कुछ है जो तुमने नहीं किया है? मैंने कभी खून नहीं किया सर, मेरे उसूलों के खिलाफ है सर। गुड, संस्कारी बॉय। थैंक यू सर। संस्कारी बॉय थैंक यू के चाचा। ये बता तू मर्डर से एक दिन पहले दोपहर 3 बजे कहाँ था? ये हमारे साथ था, हम महाराज और मीरा की शादी की तैयारी कर रहे थे। जी अगर आपको यकीन ना है तो आप ज्वेलर्स, कैटरिंग और डेकोरेशन वाले को पूछ सकते हैं। केयर टेकर तो बहुत ज्यादा ही टेक केयर कर रही है। जी सर। अच्छा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वन ब्लैक कॉफी, वन विद मिल्क विद 4 sugars। ध्यान से गिरा मत देना। यस मॉम। कॉफी। गाइस लुक एट यू, डोंट वरी, तुम्हें कोई ना कोई क्लू जरूर मिल जाएगा। Come on, Aditya. इस तरह शक्ल बनाकर क्यों बैठे हो? Smile. आयशा तुम समझ नहीं रही हो। आओ। ये केस जितना आसान दिख रहा है ना उतना आसान है नहीं। हमें अगला सुराग चाहिए। अगर अगला सुराग नहीं मिला ना तो हो सकता है कुंवर करण सिंह को सजा हो जाए, वो जरा बेगुनाह फंस सकता है। Objection, my lord. ऐसे कैसे किसी बेगुनाह को सजा मिल सकती है? लेकिन हम करें तो क्या करें? फोरेंसिक रिपोर्ट चीख चीख के पुकार पुकार के करण सिंह की ओर इशारा कर रही है। अब इत्तफाक देखिए। नहीं नहीं देख सकते, थिएटर से उतर गई। नहीं डॉली मैं इत्तफाक फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इत्तफाक देखिए, वो फायरप्लेस से इतनी सारी गोलियां चली
लेकिन करण सिंह को एक भी गोली नहीं लगी। एग्जैक्टली मेरा भी यही सवाल है, फायरप्लेस से बंदूक की गोली अचानक कैसे चलने लगी? नहीं नहीं, ये बात मेरे समझ में आ गई आंटी जी, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये है चली हुई गोली, यानी कि खाली कारतूस। अब इस पे लगाते हैं ये शार्प एज वाली चीज ऊपर, ये एक बार को इसे चोंच कह लेते हैं, चोंच। ये हमने लगाई चोंच और ये बन गई गोली। इस गोली को मैंने यहाँ रखा और ये फायरप्लेस में लगी आग। मैंने इसे बंदूक की गोली की बात किया, अगर मिसाइल या बम बम लगा होता तो। आंटी मैं तो बस मिसाइल दे, मतलब मिसाल दे रहा था। तू तू तू, तू चुप कर प्लीज, इसको समझा। मैं मुझसे मेरी बेटियों से और काफी से दूर रहे। हाँ मैं समझाऊंगा आंटी जी, बिल्कुल दूर हो जाओ। तुम दोनों क्लियर करो ये सब और पहले इसको बाहर निकाल। ओके ओके बाय मामा बाय। गोली ना आंटी को लग जानी चाहिए थी। मानव एक बात बताओ, महाराज की डेथ से करण सिंह को सारी प्रॉपर्टी मिलेगी राइट? पर कोई और ऐसा है क्या जिसको उनकी डेथ से फायदा हो सकता है? यू नो व्हाट, मैंने कई मर्डर केसेस में देखा है हमेशा पर्सनल रीजंस की वजह से मर्डर होते हैं, और राजघरानों के रिलेशनशिप्स में तो बहुत सारे राज छिपे होते हैं। आई एम टेलिंग यू, इन सबको लाई डिटेक्टर पे ले आओ, सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। जैन सर, सर राइट सर। यार कमिश्नर साहब ने यही जगह बताई थी ना। फिर शीशे में देखो मियाँ, शीशे में। मियाँ मैं तो जरूरत से ज्यादा हैंडसम हूँ, शीशे में देखने की जरूरत इसे है, ये देख लेगा। देख लो एक बार। शक हो जाएगा, बेटो भाई बेटो यार, समझा करो यार, लोगों को शक हो जाएगा। कुछ मत बोल। अरे क्या कर रहे हो भैया? सर हेल्प, मुंह बंद, मुंह बंद। क्यों सर, क्या कर रहे हो सर आप? मुंह बंद कर। खरबी सर के पास ऑलरेडी खबर पहुंच गई होगी सर, वो कमिश्नर साहब का फोन आया ना सर। अरे वो तो है ही भाई, आया ये, मगर ये हिलेगा तो क्या होगा, गर्दन कट जाएगा। मेरे को तो उस तरह चलाना नहीं आता। अरे ऐसा मत कीजिए सर, ये उस तरह चल गया तो मैं घर किस तरह जाऊंगा? यहाँ बिस्तर लगा दो, घबरा क्यों रहे हो भाई, उस तरह में ब्लेड ही नहीं है। अच्छा ब्लेड नहीं है, कमरा मत भाई लगा कर हमेशा हमेशा की चिक चिक खत्म कीजिए ना सर मेरी। ये क्या बोल दिया भाई, पागल है सर। सर वो खबर के लिए कुछ कुछ दे सकते हैं? हाँ एक मिनट एक मिनट, ये लो ये ले ले सबके बाल, इसके डीएनए करा लो, निकालो बाल की खाल। कमाल है सर। मैं कोई काम छोड़ता नहीं खाली, मैं हूँ भोपाली। अरे वाह थैंक यू सर। ये ना ये भाई शेविंग कर दे, किसी नाई से करवा ले, नाई समझ रहे हैं मुझे। तू कौन है? मैं कौन हूँ? मैं खूनी हूँ, माफिया हूँ, कांट के रख दूंगा। सर क्या कर रहे हैं सर, किसी को शक हो जाएगा कि आप नकली नाई हैं। तो होने दो, कल कौन सी दुकान लगा दी मुझे। ये भी है सर, दे दाली सर। सर विदाली सर, थैंक यू दे सर। फैसला हो चुका है, महाराज का खून उनके बेटे ने किया है। मैंने कितनी बार बोला है कि मैंने अपने पिताजी का मर्डर नहीं किया है। नहीं हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने मारा है, हम तो बस इतना कह रहे हैं कि महाराज को उनके बेटे ने ही मारा है। इसका मतलब दूसरा बेटा,
दूसरा बेटा। ये कैसे हो सकता है? नाजायज औलाद। वो कौन है? और कोई नहीं बल्कि अर्जुन सिंह। क्या? माया देवी और महाराज की नाजायज औलाद। जी हाँ, हूँ मैं महाराज की नाजायज औलाद, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि मैंने उनका मर्डर किया। नहीं नहीं अर्जुन सिंह, हम भी कोई नाजायज इल्जाम नहीं लगा रहे, सबूत है हमारे पास, वो भी फुल प्रूफ। सबको बताया कि महाराज का मर्डर कैसे हुआ। चलिए आपकी याददाश्त सरत ताजा करा दूं। पहले खाली कारतूसों में बारूद भरा गया, फिर उन गोलियों को फायर प्लेस पर रखा गया ताकि वो गोलियां गर्म हो जाए और फायर हो जाए। लेकिन सब लोग कंफ्यूज कैसे होते? सब कंफ्यूज तो तब होते ना जब गोलियों पे बंदूक का निशान होता, जिसको बनाने के लिए तुमने सबसे पहले बंदूक को सर्विस सेंटर में भेजा और उसके बाद टेस्ट की हुई खाली बुलेट्स को तुमने उसी रात चुरा ली। जब तुम चोरी करने गए तब तुमने अपने चेहरे पे एक मास्क पहना हुआ था, लेकिन तुम अपना जबड़ा हिलाते रहे ताकि हम जब सीसीटीवी की फुटेज देखें तो सारा का सारा शक पीटर पे जाए। अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह, पहले पूत के पांव पालने में दिख जाते थे, लेकिन आजकल करतूत के पांव सीसीटीवी में दिख जाते हैं। और इतना रईस इंसान होके इतने गरीब से हरकत है? जो जूते तुमने उस दिन पहने हुए थे वो आज भी पहने हुए, जो कड़ा तुमने उस दिन पहना हुआ था वो आज भी पहना हुआ है। जो कपड़े तुमने उस दिन पहने हुए थे वो आज भी पहने हुए हैं। नहीं, आज वो नहीं पहने। तुम्हारे वो कपड़े हमें तुम्हारे रूम से मिले। बॉस सर, ये कपड़े तुम्हारे हैं कि नहीं? कपड़े बदलने से इरादे नहीं बदलते। बोलो, तुमने महाराज का खून किया है कि नहीं? हाँ हाँ, मैंने ही महाराज का मर्डर किया है। तुम दोनों को यहां रखा है मैंने, वही मेरा सबसे बड़ा एहसान है तुम पर। और मृणाल के साथ शादी के बाद मैं कहीं भी जाकर रहूं, इससे किसी को क्या? तुम्हें और माया को 20-20 लाख रुपए दे रहा हूं मैं, और क्या चाहिए? कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आप हमारे ऊपर। अपनी अय्याशियों के लिए पैसे लुटाना ठीक होगा महाराज, लेकिन एक नाजायज औलाद पैदा करना कभी ठीक नहीं था, और इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी महाराज। तमीज, निकल जाओ यहां से, और आज के बाद कभी मेरे सामने मत आना। निकल जाओ। मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि मैं महाराज की हत्या कर दूंगा। फायरप्लेस से बुलेट चलाने का आइडिया मैंने इसलिए यूज किया ताकि मैं इस केस को राउंड राउंड घुमा सकूं, क्योंकि जो गन रूम में है उसे गोलियां कैसे चल सकती हैं। पर जेन्युइनली मैंने कभी ये नहीं चाहा कि कुंवर साहब मेरी वजह से मुसीबत में फंसे। और माँ, मैं आपको बताने ही वाला था कि मुझे माफ कर दीजिए कुंवर साहब, मुझे माफ कर दीजिए। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। जिस इंसान ने तुम्हारी जिंदगी को गाली बना दी उसकी मौत पर मुझे कोई अफसोस नहीं। बस बस, अब और मत रो। महाराज वो नहीं, ये रो रहा है। अरे ये कौन है अब यार? महाराज इंस्पेक्टर मानव रो रहे हैं। अरे मानव, तू इतना क्या रो रहा है यार? पता नहीं यार, बस क्या करूं, मेरा दिल ऐसा ही है, एकदम मोम सा। ओ ले 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 ले, इधर आ इधर आ इधर आ, चल निकल। शरद कुंवर कुंवर सिंह। कुंवर कुंवर सिंह, तो कुंवर कुंवर करण सिंह। अरे कुंवर सिंह फंस सकता है। ऑब्जेक्शन।
मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि मैं महाराज की मौत कर दूंगा। अर्जुन सिंह पाठ पुलन पला पलम पिपिम जय भाई। वो कपड़े तुम्हारे हमारे को उस कमरे से मिले जिस कमरे में तुम रहते हो। हाँ, वो हमारे को अरे ये नहीं बोर हो रहा है, मतलब वो नहीं है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.